मेरे जितने भी अच्छे यार है ना यार देखे, मेरे तो मेमन दोस्त बहुत हैं और मुझे लगता है कि मेमनों का सीन बहुत ऑन है। वो चिनोटी हैं। मतलब मेमन स्मार्ट होता है, मेमन हार्ड वर्किंग होता है, मेमन चिनोटी लोग जो है ना नेक्स्ट लेवल है। कभी 8 बजे का इन्विटेशन दो ना, 10 बजे से पहले नहीं आएंगे भाई, स्टाइल है। मेमन बादशाह होता है भाई। मेमन एक बार बोल दे कि अपन टाइम पे नहीं आएगा, खत्म। वैसे एक बात है, चिनोटी छाती बहुत जल्दी करते हैं यार, तुम मेमनों में भी है। तुम लोग तो फिर भी वेट कराते हो, हमारे यूनिवर्सिटी में लोगों के निकाह हो जाते हैं भाई, क्या बात कर रहे हो। तो यूनिवर्सिटी जाते वक्त क्या, हमारे तो बचपन में चुनौतियों को पता चल जाता है किससे शादी करनी है। कदेड़ो, ये चुनौती जो है ना बरादरी के बड़े पक्के होते हैं। बरादरी की बात करते हो, मेमन की पूरी पूरी सोसाइटी होती है यहाँ पे, सिर्फ मेमन रहते हैं। अपनी बरादरी में शादियां करते हैं, खून जो है ना अपना खालिस रखते हैं। अबे हम तो कजन से बाहर नहीं निकलते, क्या बात कर रहे हो, हमसे यार खालिस खून किसका होगा। चुनौतियों की एक बात बड़ी मजेदार है कि वो इकट्ठे रहते हैं। जॉइंट फैमिली का सिस्टम मेमनों ने तो बनाया है। बाप दादा पर दादा, मेमन को जितना ख्याल है ना अपनी फैमिली का किसी को नहीं होता। चाचा चाची खाला खालू इकट्ठे रहते हैं मेमनों में। रात के 12 बजे उनकी पूरी फैमिली साथ बैठ के डब्बू खेलती है। पता है डब्बू क्या है? बहुत नेक्स्ट लेवल गेम है। और घर देखे चुनौतियों के, इधर स्विमिंग पूल उधर काम वाली है भाई, स्टाइल है। हमारे घर महलों जैसे नहीं होते, हमारे घर महल होते हैं भाई। पैसा, पाकिस्तान चुनौती चलाते हैं। हमारे 3-3 घर साथ होते हैं, लोग पूछते हैं अभी कौन कौन रहता है, बोलते हैं कुछ नहीं हमारा घर है खाली। ये जो तुमने कपड़े पहने हुए हैं ना, किसकी टेक्सटाइल मिल पे बनी होगी ये बताओ। मेमन की। अच्छा ओए चिनोटी ने बनाई है ये। ओए मेमनों के खून में होता है बिजनेस करना, ठीक है। मेमन जब पैदा होता है उसको पता होता है ये इन्वेस्टमेंट ये प्रॉफिट। बच्चा अगर फेल हो रहा हो ना एग्जाम में तो पता चिनोटी बाप क्या कहता है, बेटा तूने क्या पढ़ना है, अब्बू का ही बिजनेस संभाल लेना तूने। कहां पैसा बचाना है कहां पैसा बनाना है ये तुम क्या समझोगे यार। उनको पैसे की कदर है, अगर अपने आप पे लगाना तो लगाएंगे, वैसे जाया नहीं करेंगे, कंजूस है हम पैसे के मामले में। और ये मेमनों के लिए कंजूसी नहीं होती, उनको पता होता है पैसा बनता किस तरह है। चिनोटी लोगों को ना इश्क है ब्रांड से। कभी सीखना हो ना कि ब्रांड अच्छे पहनते कैसे हैं तो जरा मेमनों के पास जाना। इधर ब्रांड उधर ब्रांड ये ब्रांड हर जगह ब्रांड। ओ इस तरह के नॉर्मल ब्रांड शर्ट मेमन नहीं पहनते, उनका स्टाइल थोड़ा यूनिक है भाई। तुम क्या चमकीले कपड़े पहनते रहते हो, झलके दिखाते हो अपनी ऐसे ऐसे। खाली ब्रांड्स पहनना नहीं होता, उसके साथ एक लगना होता है आपको, कि आपको देख के लोग बोले ओए तो देख मेमन जा रहा है। ओ भाई प्यारे लोग तो चिनोटी है ना ज्यादा। मेमनों को देखा है ये गोरे चिट्टे। चिनोटी लड़की गोरी हो ना ऐसे शादी हो जाती है उसकी। मेमन तो है ही गोरे। और ये नाम क्या है भाई मेमनों के, डब्बे वाला फर्नीचर वाला। अगर मेमन अपने काम की वजह से मशहूर है तो इसमें बुरी बात क्या है। एक कोई चिनोटी वाला ना निकला है। मेमनों की पहचान है भाई, मतलब तुम लोगों की पहचान नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। कितनी इज्जत से पेश आते हैं आप, जनाब करके बातें करते हैं। अच्छा चल चल छोड़ छोड़ ठीक है सही है सुन लिया। तुम लोगों की तरह नहीं। अबे क्या कह रही है। चिनोटी कौन है? पंजाबी। पंजाबी जबान सुनिए। बोले तो थले ते आ सोनिया। और ये चिनोटी लोग जो है ना पाकिस्तान के कल्चर और तहजीब को फॉलो करते हैं। औरतें जो है ना शादियों में इकट्ठे नहीं बैठती आदमियों के साथ। भाई मेमन बच्चों के तो दोस्त भी लड़के लड़कियां आपस में नहीं हो सकते, हमें ज्यादा ख्याल है कल्चर का अपने मुल्क का। कभी कोई चिनोटी शादी पे जाए ना, आंटियों को पहले ही पता होता है कि भाई इसका सीन है, इसकी मैंने शादी करानी है, और करा के छोड़ती है वो। आंटी है ना पक्की बात है, आंखों से गोलियां मारती है चुनौती आंटियां। तो भाई मेमन आंटियों ने शादियों से पहले ही बुकिंग कराई होती है, उनको पता होता है कि ये हमारे घर की बहू बनेगी। इसकी क्या नशा है पान का तुम लोगों को? पान खाने में क्या बुरी बात है, पान आपके मुल्क की एक यूनिक चीज है। कोई खाना शाना खा लिया करो, कभी कोई कुन्ना खाओ। तुम लोग तो जिंदगी भर कुन्ना ही खाते रहो, कभी तुम लोगों ने मेमनों का खाना खाया है? ये खाओ से यूनिक मजा आ जाएगा तुम्हें। और आखिरी मैसेज एक सबके लिए, कभी जरा मेमनों का खाऊ से जरूर ट्राई करना। चुनौतियों का कुन्ना जो है ना मजेदार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, यहाँ देखें हमारी और वीडियोस, और नीचे लाइक और कमेंट करें। नीचे एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन होगा, अगर आपने ये वाला क्लिक नहीं करना तो आप नीचे वाला क्लिक करें।